नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, इस समय कोरोना काल में अपना और अपने परिवार का पूरा पूरा ध्यान रखें। कोरोना को बिल्कुल भी लाइटली ना लें। कोरोना को पहचानने में कहीं भी गलती ना करें, बहुत सावधान रहें। और वैसे ही दोस्तों, मेरी चैनल में जो फ्रॉड लोग घुस चुके हैं, उनसे भी आप सावधान रहें। ये फ्रॉड लोग मेरे ही नाम की आईडी बना करके बैठे हुए हैं, कायदे सर बिजनेस अकाउंट चालू करके बैठे हुए हैं, काफी हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को लूट चुके हैं, काफी पैसा ये लोग हवन और पूजा के बहाने ले चुके हैं, ये कहकर कि ये पैसे मेरे द्वारा मांगे जा रहे हैं। इन्होंने इनके घर की ही लेडीज बिठा रखी है बिना भदौरिया बना करके, बिल्कुल जाहिल गंवार औरतें हैं ये। जब मैंने एक औरत से बात की इस टाइप की जो लेडीज थी, मुझे खुद आश्चर्य हुआ। बहुत बहुत अच्छे से उसने मेरी स्पीच को बोल बोल करके बिल्कुल ऐसे बोलती है जैसे मैं ही आपसे बात कर रही हूँ। इस तरीके से उसने मेरी स्पीच को रट लिया है। बहुत कम बात करती है वो, बाकी वो व्हाट्सएप पर चैटिंग करती है। सावधान रहें, अपने घर का पैसा बर्बाद ना करें। काफी लोग कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं कि ये लोग उनका काफी पैसा, किसी के पास से 20,000, किसी के पास से 25,000, इस टाइप से लोग रुपए ले लेते हैं। ज्वाइन बटन इस समय मैंने बंद कर रखा है और ये लोग ज्वाइन बटन पता नहीं कहाँ से ज्वाइन करवा रहे हैं। ये लोग खुद से ज्वाइन कर लेते हैं, खुद से अपने आप से आपको ज्वाइन करते हैं और आपके पैसे लूट रहे हैं। तो जो जितने भी ढोंगी है, फ्रॉड है, इनसे सावधान रहें। और मेरे नाम से यदि कोई भी आपसे पैसे मांगता है, तुरंत पहचान जाए ये फ्रॉड है। चलिए, आज का मैं आपको उपाय बताऊं दोस्तों। गुरुवार के दिन जो भी लोग इस उपाय को करेंगे, जितने भी लोग, कभी उन्हें संकट नहीं घेरेगा, कभी उन्हें संकट नहीं घेरेगा, बड़े से बड़े संकट को भी पार कर जाएंगे। उनकी जो भी इच्छाएं हैं, भगवान श्री राम की कृपा से बहुत जल्दी पूरी होती है। मैंने काफी अपनी इसमें वीडियोस में बताया है कि रामायण की एक एक चौपाई सिद्ध है। आप उनको, और जिन लोगों ने रामायण पढ़ी है उन्हें पता है कि आप जब किसी मुसीबत में पड़ेंगे, ये चौपाइयां अपने आप स्वतः आपके अंदर शुरू हो जाती है। हर चौपाई सिद्ध चौपाई है। जब आपको जिस समय जिस चीज की आवश्यकता हो, आप उस चीज से जुड़ी हुई चौपाई बोलना शुरू कर दें, आपकी वो तकलीफ दूर हो जाती है। फिर भी आपके मन को मजबूत बनाने के लिए आप किसी चौपाई को यदि नवरात्रि में या कोई भी अच्छा दिन, जैसे कि अभी अक्षय तृतीया है, इस दिन आप जो भी जिस चीज की आपको नीड है, आप उस चौपाई को उठाएं, 108 बार आप पूजा स्थान में बैठकर उसका पाठ करें और 2 लौंग और थोड़ा सा गुड़ आप पूजा स्थान में किसी उपले के ऊपर रख करके जला लें। फिर उसके बाद जब भी आपको जरूरत होती है, आप उस चौपाई को 5 बार बोले, वो काम आपका हो जाता है। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका है। आज आपको एक ऐसा ही उपाय बताने के लिए जा रही हूँ। गुरुवार के दिन आपको सोते समय इस उपाय को करना है। और इस बार गुरुवार के दिन, गुरुवार के बाद दूसरा दिन अक्षय तृतीया आ रहा है, तो बहुत शुभ है, क्योंकि अक्षय तृतीया वाले दिन आप जो भी उपाय करते हैं उसका भी बहुत जबरदस्त रिजल्ट आता है। जन्मों जन्म उसका पुण्यफल आपको मिलता है। लेकिन जो लोग यदि इस गुरुवार को ना भी कर पाए, तो अगले गुरुवार को करें, जब भी आपको फुर्सत मिलती है तब करें। लेकिन इस उपाय को आपको करना है गुरुवार की रात को। और शुक्रवार की सुबह आपको इस चीज को पीपल के पेड़ पर चढ़ा देना है, ठीक है? जो लोग पीपल के पेड़ पर, काफी लोग जो फॉरेन में हैं, वे लोग ये लिखते हैं कमेंट बॉक्स पर, फोन करते हैं कि हमारे यहाँ पीपल के पेड़ नहीं है, नीम के पेड़ नहीं है, तो हम क्या करें? तो आप लोग इसको सूर्य देव को अर्पित कर दें। मैं आपको समझाती हूँ कि आपको कैसे क्या करना है, ठीक है? आपको दोस्तों सोते समय हल्दी लेनी है। हल्दी आपको गिन करके 3 चुटकी लेनी है। जो भी व्यक्ति इस उपाय को करता है उसको अपनी 3 चुटकी, खुद की अपने हाथ से आपको 3 चुटकी ले लेनी है। ये दोनों उंगली और अंगूठा, इन दोनों उंगलियों को बिल्कुल टच नहीं करवाना है, इसी से आपको लेना है।
ध्यान से देखना दोस्तों, ये यही तीन उंगलियां आपको यूज करनी है। तीन चुटकी आप हल्दी एक कागज में रख ली और उसकी आप पुड़िया बना ली। सोते समय आपको इस उपाय को करना है, ठीक है। आप उसकी पुड़िया बनाएं, पुड़िया बना करके आप उस पुड़िया को अपने पास में रखें और किचन के ऊपर या पूजा स्थान में आप किसी प्लेट पर जरा सा कपूर जला दें और उस कपूर के ऊपर से इस पुड़िया को तीन बार आप घुमा लें सीधी साइड में, मतलब कि क्लॉकवाइज दिशा में तीन बार। हाँ, तीन चुटकी हल्दी लें, तीन ही बार इसको आप कपूर के ऊपर से उबार लें और उसके बाद में आप इसको लेकर के अपने बेड के ऊपर बैठ जाएं, अपने राइट हैंड में दबा करके मुट्ठी के अंदर रख करके। और उसके बाद में आपको ये बोलना है जो मैं आपको बता रही हूँ, मोशम दीनन दीन हित तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मणि हर हो विषम भर पीर। मोशम दीनन दीन हित तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मणि हर हो विषम भर पीर। दीनों के मतलब दुखियारों के दुख को दूर करने वाले तुम हो और मैं हूँ दुखियारा। तुमसे बड़ा कोई दीन के दुखियारों के दुख दूर करने वाला नहीं है। तो हे रघुवीर, मेरी जो समस्या है उसमें मेरी मदद करो। सीता जी ने प्रार्थना की थी श्री राम के लिए, श्री राम के लिए उन्होंने की, हे भगवान मेरी मदद करो। सब दीन की दुखियारों की मदद करते हो, मेरी क्यों नहीं कर रहे, है ना। तो आपको तीन बार इसी चौपाई को बोलना है, बराबर। इसी चौपाई को आपको तीन बार बोल देना है। इतना बोलने के बाद आपको इस पुड़िया को अपनी तकिया के नीचे रख देना है। तकिया के नीचे आप इस पुड़िया को रख करके और सो जाएं। सुबह दोस्तों आपको इस पुड़िया को तकिया के नीचे से निकाल लेना है। तांबे के लोटे में आपको शुद्ध जल भर लेना है, उसमें आपको ये हल्दी मिला लेनी है और उसके बाद दो अगरबत्ती घी का दिया लेकर के आप इसको लेकर के जाएं और पीपल के पेड़ पर आप इसको चढ़ाएं इस जल को। जो लोग फॉरेन में है, जो बार बार ये कंप्लेन करते हैं कि हमारे यहाँ पेड़ नहीं है, वे लोग इस जल को सूर्य देव को अर्पित कर दें, ठीक है। जो लोग घर में भी यहाँ पर भी पीपल के पेड़ पर जाना ना चाहते हो, वे लोग सूर्य देव को अर्पित कर दें। वैसे सबसे पहली चॉइस पीपल का पेड़ ही है। भगवान श्री हरि का वास पीपल के पेड़ में है और इस बार ये बहुत अच्छा है कि दूसरा दिन अक्षय तृतीया है। इस दिन यदि पीपल के पेड़ पर आप इसको चढ़ा देते हैं तो हमेशा के लिए हर संकट से आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपकी हर इच्छा पूरी। बहुत बढ़िया उपाय है कर लेने के लिए, तो करते रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।